आज रुहेलखंड समाचार के माध्यम से एक मुद्दा उठाया जा रहा है। महिला राज्य आयोग की मेंबर हैं मीना कुमारी जी, उन्होंने कहा है कि कम उम्र की लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो इस चर्चा में मेरे साथ हैं शुएब जी, जो आप मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश महासचिव हैं, और मेरे साथ हैं शालिनी अनुराग शर्मा, जो जिलाध्यक्ष हैं हिंदू युवा वाहिनी की। मेरे साथ हैं नरगिस खान, जो आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष हैं। तो अब इनसे हम डिबेट अपनी शुरू करें, अपनी चर्चा शुरू करें। उससे पहले मैं आपको सुनवा देता हूं आप लोगों को, जो मीना कुमारी जी ने, जो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये बहुत जिस तरह से हम देख रहे हैं रेगुलर रेप के केसेस आ रहे हैं, अभी अलीगढ़ में भी एक बच्ची के साथ हुआ, बरेली में हुआ, तो क्या मानसिकता है इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस तरह के केसेस नहीं रुक रहे? नहीं, वो तो है, सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे, ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। अभी एक मैटर है, कल मेरे पास आया है, वाल्मीकि की लड़की है और जाटव का लड़का है, और बालमपुर है, बालमपुर प्रेमपुर, उसमें कुछ नहीं है, मेरी ससुराल है वो। और कल लोग मेरे पास आए और उन पर ज़्यादा सख्ती हुई तो उन्होंने फोटो डाल दिए, उन्होंने शादी कर ली दोनों ने। अब गांव के लोग इतना वो हो रहे हैं कि पंचायत करके कहते हैं आमने सामने घर है, हम उसे घुसने नहीं देंगे। तो क्या आप अपील करेंगी कि कम उम्र के बच्चियों को मोबाइल ना दें घर वाले? हाँ, मैं अपील करूंगी घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें, ये सब माँ की लापरवाही से बेटियों का ये हर्ष होता है। आखिरकार पैनल ने मीना कुमारी जी की बात सुनी है, मैं बात शुरू करूंगा आम आदमी पार्टी की। आप नरगिस जी हैं, नरगिस जी आप कहाँ तक सहमत हैं? उन्होंने कहा कि माँ जो है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में उनकी नज़र में दोषी है मोबाइल को लेकर। मैं मीना कुमारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद एक महिला हैं और वो भी एक किसी बच्चे की घर के अंदर अपने माँ होंगी, लेकिन उनको इस तरीके का विवादित बयान नहीं देना चाहिए था। क्योंकि अगर लड़कियाँ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगी, आज मोबाइल ऐसी ज़रूरत बन चुका है कि ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुका है कि उसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। अगर लड़कियां महिलाएं कहीं भी बाहर निकलती हैं और किसी भी समस्या में फंस जाएंगी तो वो अपने माता पिता को, अपने भाई को या फिर पुलिस को कैसे कांटेक्ट करेंगी? तो इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होता है अगर उनके साथ कोई घटना घटेगी? शुएब साहब, मैं चाहूँगा कि अभी नरगिस जी ने एक सवाल छोड़ दिया, मीना जी के समर्थन में कह दिया कि भाई मोबाइल नहीं देना चाहिए लड़की को, आप कहाँ तक सपोर्ट? देखिए, मीना जी का जो स्टेटमेंट है उसमें आप उनको गौर से सुनिए, उन्होंने कहा कि कम उम्र की बच्चियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, वो इसलिए सहमत हूँ कि गार्जियंस को उन पर निगाह रखनी चाहिए और निगाह रखने के बाद ये देखना चाहिए कि हमारी बच्ची मोबाइल से क्या कर रही है। कल भी मैंने एक मैटर निपटाया रामपुर का, उसमें भी यही था कि लड़का उनको धमकी दे रहा था कि उठा के ले जाऊँगा, ये कर जाऊँगा, तो मैंने गंज में था फ़ोन करके और सब चीज़ों को करा के उस मामले को निपटाया। तो ये तो मीना जी का बयान सही है कि अगर लड़कियों को मोबाइल दिया जाए तो उनकी देखरेख की जाए, गार्जियंस का ये फ़र्ज़ बनता है। मैं उनके बयान से सहमत हूँ 100%। शालिनी जी, आप हिंदू वाहिनी की अध्यक्ष हैं, तो कहाँ तक शुएब भाई की बातों से सहमत है कि शुएब जी ने जो कहा है वो मीना जी के समर्थन में? मीना जी के समर्थन में नहीं है, मैं नहीं मानती कि वो इस बात के लिए मैं समर्थन में हूँ उनके। लड़कियों को, छोटी लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हाँ, अगर लड़कियाँ बराबर की हैं और बाहर जा रही हैं तो उनको मोबाइल देना चाहिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके सपोर्ट के लिए भी है। हम कोई कहीं फंस गई हैं, कहीं किसी चीज़ कहीं बाहर गई हैं तो हमें उन्हें चाहिए ना, बात करने के लिए चाहिए, उनके सपोर्ट के लिए चाहिए। हर जगह लड़कियां गलत नहीं हैं, जब लड़कियों को लड़कों के बराबर आंका गया है तो लड़कियों के लिए मोबाइल हर बात में गलत नहीं है। ये तो साली तो कह रहे कि मोबाइल
गलत नहीं है मोबाइल देना चाहिए? मोबाइल गलत नहीं है, ये मीना जी ने भी कहा मोबाइल गलत नहीं, लेकिन मोबाइल का मिसयूज़ गलत है, मोबाइल का मिसयूज़ गलत है। गार्जियंस को ये चाहिए कि उन पर निगाह रखें, और उनके फादर मदर को ये चाहिए कि हमारी लड़की किससे बात कर रही है, किससे बात नहीं कर रही है। कल को मुद्दे खड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है कि मुस्लिम्स की लड़की हिंदू के साथ, हिंदू की लड़की मुस्लिम के साथ, ये एक बिग इशू बनते हैं, तो इसको पहले ही खत्म कर देना चाहिए। मैं मीना मोबाइल को नहीं, जो मिसयूज़ हो रहा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि अगर हम आपकी बात मान लें तो लड़कियों को मोबाइल देना नहीं चाहिए कुल मिलाकर? नहीं, लड़कियों को मोबाइल दें, लेकिन जो उनके मामले हैं उसलिए दें, मिसयूज़ के लिए मोबाइल ना दें। अगर लड़की बिजनेस करती है, कोई कारोबार में है या किसी ऑफिस में जॉब कर रही है, तो उसको मोबाइल देना चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मोबाइल का मिसयूज़ के 100% खिलाफ हूँ। मैं मीना जी के बयान पर 100% स्थिर हूँ, स्थिर रहूँगा। नसरीन जी, शुएब तो बिल्कुल शुएब जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि मैं मीना जी के समर्थन में हूँ, और मैं मोबाइल हद तक जो है, जो मीना जी ने कहा है, हम उनकी बात को फॉलो भी कर रहे हैं और करवाएंगे भी। तो आपका क्या नजरिया है, क्या वाकई में मोबाइल लड़कियों के लिए अभिशाप हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपके चैनल से, मीना कुमारी जी से एक सवाल करना चाहूँगी कि जब 5 साल की बच्ची के साथ कोई गलत घटना होती है, कोई रेप होता है, तो क्या उसके पास मोबाइल होता है? मुझे इस मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूरी देश की सरकार से करना है, और अब तो यूपी सरकार ने भी बच्चों के स्कूल बंद कराकर और ऑनलाइन पढ़ाइयाँ करवा दी। भाई, ये आप बता रहे हैं कि मोबाइल रेप की वजह नहीं है? देखिए, ये एक घिननीय अपराध है, अगर रेपिस्ट कोई भी हो उसे निश्चित तौर पे जेल जाना चाहिए। मैं सुबह भाई रेपिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी नरगिस जी ने कहा है कि मोबाइल का समर्थन पूरी तरह से कर रही है। क्या वाकई में आप हमेशा, अभी मैंने आपकी बातों से सुना लगा मुझे कि आप कहीं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे कि बच्चियों को मोबाइल दे रहे? बिल्कुल मिसयूज़ के मैं अगेंस्ट हूँ, मिसयूज़ अगर होगा मोबाइल तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। कि अगर लड़कियाँ मिसयूज़ कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं और फादर मदर से छुप के बात कर रही हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर उनको किसी लड़के से बात करनी है तो अपने फादर को बताएं, अपनी मदर को बताएं कि हम इससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में बात करें अगर फादर मदर परमिशन दें तो। एक नया मुद्दा है मोबाइल का जो सुरेश जी ने दिया कि लड़कियाँ मोबाइल पर बातें करती हैं, ये मुद्दा क्या है? ये तो गलत है कि देखो लड़कियां हैं क्या, महिलाएं भी मिसयूज तो सभी कर रहे हैं, मोबाइल तो मिसयूज सभी कर रहे हैं, क्या आदमी मिसयूज नहीं कर रहे हैं मोबाइल का? बिल्कुल। क्या 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 कहेंगे शालिनी ने तो बिल्कुल आप पे आरोप, समाज पे आरोप लगा दिया, पूरे समाज पे। देखिए, मैं शालिनी जी की बात को समर्थन नहीं करता, क्योंकि देखिए मोबाइल मैं भी यूज़ करता हूँ, दो मोबाइल मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैं इसको मिसयूज़ करूँ किसी लड़की से या किसी से गैर जिम्मेदाराना बात करूँ, तो मैं भी गलत हूँ। तो मैं शालिनी जी की इस बात से तो सहमत हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली सहमत, लेकिन इसका मिसयूज़, हमारा मुद्दा है मिसयूज़। जो उन्होंने कहा कि कम उम्र की बच्चियाँ इसको मिसयूज़ कर रही हैं, तो गार्जियंस को, ये हमारा इस्लाम भी कहता है साहब, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि बच्चियों पे और अपने बच्चों पे निगाह रखो, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और अगर माता पिता होने के नाते, मैं भी पिता हूँ अपने बच्चों का, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मेरा बच्चा किससे मिल रहा है, किससे नहीं मिल रहा है, किससे फ़ोन पे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, कोई गलत चीज़ फ़ोन में देख रहा है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, सबका बनता है फ़र्ज़, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मीना जी का 100% लोगों को मैसेज है, और इस मैसेज को उनको समझना चाहिए। मैं नरगिस जी, शुएब जी तो किसी कीमत पर तैयार नहीं हो रहे कि मोबाइल लड़कियों को देना ही नहीं चाहिए। मैं शेब जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोबाइल जो है हर किसी के हाथ में है, वो सिर्फ लड़कियों के हाथ में नहीं है, लड़कों के भी हाथ में है, और इसका तो मिसयूज़ हर कोई कर ही रहा हैगा। लेकिन चंद लोगों को लेकर हम पूरे समाज के ऊपर एक आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि लड़कियां जो हैं देश का नाम भी रोशन किया हैगा। एक पहली कल्पना चावला थी जो चांद पे जाने वाली थी, मदर टेरेसा थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने युद्ध के मैदान में एक युद्ध लड़ा अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर। हम उन महिलाओं का भी तो जिक्र कर सकते हैं, और महिला आयोग का काम होता है महिलाओं के अधिकार की बात करना और उनके हक के लिए लड़ना। महिला आयोग का ये काम नहीं होता है कि महिलाओं और समाज की लड़कियों और उनके पेरेंट्स पे जो है समाज लड़ना है। क्या गलत कर रही है? आपका दायित्व बनता है कि आपकी बेटी मोबाइल पे किससे बात कर रही है? नहीं, दायित्व बनता है, दायित्व बनता है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम लड़कियों को मोबाइल नहीं देंगे? शुएब साहब, नरगिस जी तो अभी तक कायम है अपनी बात पर। देखिए, ये बात तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं नरगिस जी। एक तरफ तो ये कह रही हैं कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं देखूं, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि मैं सहमत नहीं हूं। और मुद्दा ये नहीं है कि कल्पना चावला जी ने देश का नाम रोशन किया, रानी लक्ष्मीबाई ने देश का नाम रोशन किया, मुद्दा आज का ये नहीं है। मुद्दा आज का ये है कि कम उम्र की बच्चियों को मोबाइल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो इस मुद्दे पर बात करें। अगर मोबाइल दे रहे हैं तो उसको चेक करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मीना जी, देखिए मैं भी सहमत हूँ अपने पैनल से, मैं चाहूँगा कि जो बेटियाँ हैं
अगर हम मोबाइल दें तो अभिभावक के रूप में हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग भी आप उस पर नज़र बनाएं। लेकिन नरगिस जी कतई मीना कुमारी जी के बयान से सहमत नहीं हो रही हैं। इससे रवि जी अपराध कम होगा, इससे अपराध पे अंकुश लगेगा। कल यही लोग खड़े होकर सरकार को बुरा कहते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं, तो इससे अपराध पे अंकुश लगेगा। मीना जी की बात बुरी नहीं है, मीना जी की बात को दिल में स्वीकार करके उसके ऊपर काम करना चाहिए, उस पर अमल करें। अगर आज हम अपनी बच्चियों के मोबाइल को चेक करना शुरू कर देंगे, बच्चों के मोबाइल को चेक करना शुरू कर देंगे, अपराध खत्म होगा। कोई किसी के साथ भागेगी नहीं, वो परसेंटेज कम होगा, रेप का परसेंटेज कम होगा। तो इस बात को समझना चाहिए। आप तो नरगिस जी, आपकी बात पर शोएब जी कतई सहमत नहीं, और मीना जी के तो खुलेआम समर्थन में है वो। मैं शोएब भाई से ये कहना चाहूँगी कि मैंने, चलिए 1% मान लेती हूँ उनकी बात कि लड़कियाँ जो हैं मोबाइल का मिसयूज़ कर रही हैं, तो वो क्या अकेले भाग जाती हैं? इसमें लड़के गुनाहगार नहीं होते हैं क्या? वो भी तो मोबाइल का मिसयूज़ गलत करते हैं, तो सिर्फ ये पाबंदी लड़कियों के लिए ही क्यों है? सानी क्या कहेंगी आप? आप नरगिस जी ने कहा है, सहमत हूँ इनकी बात से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या लड़कियाँ ही गलत थोड़ी ना हैं? लड़कियां ही हर चीज़ में गलत थोड़ी ना, लड़कियों को हर चीज़ की, जब खुलेआम सारी चीज़ की उनको कोई पाबंदी नहीं है, तो हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इस बात के लिए मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अभिभावक को अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए कि फ़ोन दिया है तो उसको हर चीज़ की देख रेख करनी पड़ती है। हम कोई चीज़ घर में कोई सामान खरीदते हैं, कुछ करते हैं, उसकी भी देख रेख करनी पड़ती है। उसी हिसाब से बच्चों को अगर मोबाइल दिया है तो हमें चेक करना चाहिए। हाँ मैं मोबाइल, नहीं मैं समर्थन में नहीं गई हूँ कि मोबाइल नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, अदरवाइज उनको देख रेख उनकी बराबर करनी चाहिए, देख रेख करनी चाहिए बिल्कुल बराबर। मुझे लगता है सुबह भाई हल्के हल्के सालनी जी जो है मीना जी की तरफ चल रही हैं। देखिए सत्य सत्य होता है, अगर बात को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि कभी हाँ कभी ना, तो ये राजनीति का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। आप सत्य के साथ चलें, अगर मेरे कोई गलत कहेगा तो मैं उसको गलत कहूँगा। तो मीना जी की बात 100% ओके है और हम उनकी बात से सहमत हैं। सहमत इसलिए हैं कि अपराध कम होगा। मैंने ये नहीं कि कह रहा कि भाई लड़कों को मोबाइल नहीं चेक करना चाहिए, लड़कों का ही मोबाइल चेक करिए, लड़के को ही मोबाइल चेक करिए, गार्जियंस की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी। सुबह भाई आप तीनों पैनल में बैठे हैं, मैं 30-30 सेकंड सबको तीनों को दूंगा और ये आखिरी व्यू पर चल रहे हैं हम लोग। पहला सवाल सालनी आपसे ये होगा, क्यों हम मोबाइल दें लड़कियों को? अगर दें तो हमारा क्या दायित्व बनता है? हमारा यही दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों को देख रेख करें उनकी, और हम सामने से उनको उन पे फोर्स करते रहें कि हाँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम उनका मोबाइल चेक करें। देना ज़रूर चाहिए, मोबाइल देना बहुत ज़रूरी है बच्चों को आज के। नरगिस जी आप क्या कहेंगे? मुझे यही कहना है कि मोबाइल एक ऐसी ज़रूरत है कि अगर इंसान किसी समस्या में फंसा है या कहीं असुरक्षित है कुछ है, तो वो मोबाइल के ज़रिए अपनी हेल्प ले सकता हैगा, कर सकता है, लेकिन मोबाइल ज़रूरी है। चलते हम लोग सुहेब साहब से भी बात कर रहे थे। सुहेब साहब आपका क्या? मैं नाबालिग बच्चों को तो कतई विरोध में हूँ सर। नाबालिग बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, जब तक, क्योंकि सरकार भी मानती है बालिग होने के बाद हर चीज़ पॉजिटिव होती है, तो नाबालिग होता है, उनके पास सोचने समझने की दृष्टि कम होती है, तो नाबालिग बच्चों के तो मैं खिलाफ में हूँ। अगर बालिग बच्चों को मोबाइल दे भी रहे हैं तो गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि मोबाइल को उनके चेक करें, और रात को अमूमन मोबाइल उनसे गार्जियंस ले लें, क्योंकि सारी मिसहैपनिंग रात में ही गुजरती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। चलते चलते सुहेब साहब ने एक बड़ा सवाल छोड़ा है कि अभिभावक को मोबाइल ज़रूर देना चाहिए, लेकिन उस पर नज़र भी बनाना चाहिए कि बेटा उनका भी है और बेटी उनकी भी है, कहीं बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं।